प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की रात भारत में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए 21 दिन के लिए राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद बरगोट और उनके साथियों के जैसे कई अन्य श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को मुंबई से बाहर जाना पड़ा। इससे एक प्रकार की भगदड़ और चिंता फैलने लगी। केंद्र सरकार से किसी भी प्रशासनिक सहायता के बिना श्रमिकों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के वजह से बस और ट्रेन सेवाएं रोक दी गई थी। भारत के हजारों श्रमिकों के पास अपने शहरी आवासों को छोड़कर अपने गांव जाने के लिए उन्होंने पैदल ही चलने का विकल्प चुन लिया। उनके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका कहना था कि हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, हम क्या कमाएंगे और वो कैसे अपना पेट भरेंगे। हम दैनिक मजदूरी करके अपना पेट भरते थे, अब वो भी बंद हो गया। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, अपने परिवार को क्या खिलाएंगे, उनकी वो अपनी दशा बता रहे थे। लॉकडाउन के चलते पूरे भारत में मनरेगा योजना के तहत चल रहे अधिकतर काम रुक गए हैं। ऐसे में बढ़ोतरी सिर्फ दिखावटी उपाय है। जैसे लगती है कि यह योजना दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को मुद्दे की हल करने में विफल रही, जो शहरों में रोजगार के बिना अटक जाते हैं या जो लोग अपने घरेलू राज्य में जा रहे हैं। सरकार की योजना का प्रभाव अगले कुछ दिनों में दिखाई देगा। कई दिनों चलकर अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हुए भूखे भी चल रहे थे, क्योंकि उनके पास खाने के कोई खाने नहीं थे और ना ही पीने को पानी रास्ते में मिल रहे थे और उन्हें पुलिस द्वारा परेशान भी किया जा रहा था। इसके ऊपर पुलिस बहुत सारे भोजनालय को बंद कर रही थी, इसलिए उनको वहां से भी भोजन तक नहीं पहुंचे। बेचारे पूरे दिन चल रहे थे, उन्हें खाने को एक दाने भी नहीं मिल रहे थे। मजदूर चलते चलते मर गए। बहुत मजदूर की ऐसे में मौत हुई है। तो चलिए, ये सारे अपडेट को देखते हुए और आगे की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहें यान टीवी और बने रहें प्रेरणा राज के साथ। धन्यवाद।